आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, ये अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाए, ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है, और अभी बाबूलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं।